निफ्टी कंटिन्यू एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। 3 दिन से निफ्टी उसी रेंज में चल रहा है जिस रेंज में वो स्टार्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे पहला दिन था, उसके बाद सेकेंड दिन, आज तीसरा दिन हो गया, निफ्टी अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया। एक्सपायरी लोगों का अच्छे से बीता होगा क्योंकि कहीं भी मूवमेंट नहीं आया, तो पूरा प्रीमियम नीचे हुआ है अच्छे से। मैंने 3 दिन पहले ये वॉचलिस्ट बना था, देखिए 28 दिसंबर को, और निफ्टी का रेंज यहाँ पे मैंने बताया था। जिस तरीके से हम मार्केट को प्रेडिक्ट किए थे मार्केट में, वैसा ही चीज देखने को मिला। और वो आज आप लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, अपना सारा स्टॉक्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, अपना एक्साइड इंडस्ट्रीज रेंज में आ चुका है और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। कल के वीडियो में मैंने निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी में कोई अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि निफ्टी बहुत साइड ट्रेड कर रहा था। यहाँ से जो मार्केट डाउन साइड ब्रेक डाउन किया था तो मार्केट नीचे के साइड नहीं गया, और यहाँ से जो हम लोग ट्रेड लाइन ड्रॉ की अपसाइड के लिए, तो मार्केट अपसाइड का रैली में तो काम आया बट एक अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब ये मूवमेंट नहीं देने का रीज़न क्या है? ये जो गैप है, ये गैप हो सके तो कल इसको फिल करने आए या फिर इसके ऊपर जो ब्रेकआउट देते तो ऊपर के साइड जाए, बट अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये अभी किसी भी साइड नहीं जाएगा। कल का वो जो मार्केट रहेगा वो भी साइडवेज रेंज में रहेगा। तो कल का जो वीडियो रहेगा मीन्स वॉचलिस्ट जो निफ्टी है वो भी साइडवेज रेंज में रहेगा। तो ये मैंने 28 दिसंबर को बताया था, और आज आपका 30 दिसंबर हो गया, 2 दिन हो गया। देखिए कल के दिन भी उसी रेंज में रहा, आज के दिन भी इसी रेंज में रहा, तो आज एक्सपायरी हो गया, मे बी अब ये कल किसी एक साइड ब्रेक करेगा, तो या तो अपसाइड ब्रेक कर तो अपसाइड जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, नीचे के टाइप साइड ब्रेक डाउन आया तो नीचे के साइड जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। तो ओवरऑल अभी जो स्ट्रक्चर है वो साइडवेज है। अब ये मार्केट के ऊपर है कि ये किस साइड ब्रेक करता है, अपसाइड ब्रेक करता है या डाउन साइड ब्रेक डाउन आता है, बट अपने पास स्टॉक्स है। हम लोग के पास जरूरी नहीं कि अगर इंडेक्स में ट्रेड नहीं मिले तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, तो इंडेक्स को हम लोग इसी तरीके से रहने देते हैं, अगर जहाँ ब्रेकआउट आएगा, जहाँ ब्रेक डाउन आएगा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। कल के लिए अपने पास बेस्ट 4 स्टॉक है, जिन 4 स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर पे भारतीय एयरटेल, एंड एयरटेल को अगर देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, अब इस ट्रेड लाइन के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेड लाइन इसका सपोर्ट जोन बन गया, अभी तक ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से एक बार नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, जब इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट का ऐसा काम कर रहा है, यहाँ सपोर्ट बन के ऊपर गया, वापस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लिया ऊपर गया, वापस उसी ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो ओवरऑल एयरटेल में पहले एक बुलिश रैली आया, उसके बाद मार्केट एक रेंज क्रिएट कर दिया, अब इस रेंज के बाहर जाते ही एक अपर साइड अच्छा रैली देखने को मिलेगा, यानी कि अगर 685 के ऊपर अगर एयरटेल जाता है तो हम लोग बाई करेंगे, यानी कि इसके ऊपर अगर कैंडल बनता है तो हम लोग बाई करेंगे। लास्ट मोमेंट का वॉल्यूम चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। स्टॉप लॉस रहेगा 675 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 697 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 715। सेकंड नंबर पे है पीआई इंडस्ट्रीज, एंड पीआई इंडस्ट्रीज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, पहला बुलिश रैली के बाद एक रेंज बनाया, इस रेंज के बाहर जाती है अपने को 2 टारगेट देखने को मिलेगा। तो 3002.6 के ऊपर अगर पीआई इंडस्ट्रीज जाता है तो हम लोग बाई करेंगे, यानी कि इसके ऊपर कैंडल बन जाता है तो बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2968 का, इनकेस अगर ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे अगर मार्केट आ जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, जो भी लॉस होगा लॉस को एक्सेप्ट करके एग्जिट कर देंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 3074 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 3105 का। थर्ड नंबर पे है ट्यूब इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो ये एक बड़ा सा कंसोलिडेशन बनाया है, और बड़ा कंसोलिडेशन को ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक होते ही मार्केट पहला हाई बनाया, मार्केट उसी जगह को फिर से देखिए उसी ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट दिया, मीन्स ट्रेड लाइन को रिटेस्ट किया, वापस उसी हाई के पास चला गया। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट एक रेंज क्रिएट करता, जैसे कि ब्रेकआउट आया था आपका 23 दिसंबर, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
पाँच दिन के बाद मार्केट वापस उसी हाई के पास पहुंचा, तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जैसे ही ब्रेकआउट आएगा। यानी कि 1753 के ऊपर का कैंडल बनता है तो हम लोग बाई कर लेंगे, टारगेट रहेगा 2036 का, दो तीन दिन के अंदर यहां तक चला जाएगा ये, और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 1677 में भी, एक दिन में भी ये चला जाए, क्योंकि इसको ये अगर एक बार ब्रेकआउट आता है तो इसका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो मे बी कल ही टारगेट अचीव हो जाए, अगर कल नहीं होता तो दो दिन तीन दिन टाइम लग सकता है इसमें। फोर्थ नंबर पे है भेल बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक को अगर देखेंगे तो पहला रैली के बाद एक ट्रेड लाइन बना था जो ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा था, बार बार ट्रेड लाइन के पास जाके मार्केट वहाँ से नीचे के साइड गिर जा रहा है, बट इस बार क्या हुआ, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हुआ बट ये सर्वाइव नहीं किया, नीचे गिर गया, इसलिए हम लोग को हाई को ब्रेक करने का वेट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ये हाई बना, मार्केट इस हाई को ब्रेक किया, उस टाइम के लिए अपने स्टॉप लॉस ये था, वापस मार्केट उस हाई को बनाने के बाद एक लो बनाया, तो ये स्टॉप लॉस हम लोग का मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक न्यू एंट्री मिल रहा है, यानी कि अगर 212.25 के ऊपर बेल जाता है, कैंडल बनता है, तो हम लोग इसको बाई करेंगे और अपना स्टॉप लॉस रहेगा 204। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है और टारगेट उतना बड़ा नहीं है 1:2 का, फिर भी हम लोग को यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो 212.25 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कैंडल तो बाई करेंगे, अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 221 का, मतलब 221.6 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 228। ये दो टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है एक से दो दिन के अंदर। तो ये चार स्टॉक था जिन चार स्टॉक में हम लोग कल ट्रेड करेंगे, कल का मार्केट में भी पॉजिटिव होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मार्केट इतना दिन गिरने के बाद एक रेंज क्रिएट किया है और बुलिश रैली के बाद मीन्स मार्केट पहले नीचे गिरा, फिर एक बुलिश रैली तैयार किया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन रेंज में आया, तो इससे ज़्यादातर हमको प्रोबेबिलिटीज ये लगता है कि मार्केट कल का गैप अप ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ये चारों स्टॉक बहुत अच्छा कल का परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो ये दो दिन जो हम लोग का ट्रेडिंग अच्छे से नहीं हुआ शायद ये कल हम लोग का रिकवर करवा दे सारा चीज़। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में बस हम यही बोलेंगे कि ओवर ट्रेड स्किप कीजिएगा, स्टॉप लॉस हिट हो तो एग्जिट कर दीजिएगा, कभी भी ये नहीं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट नीचे जा रहा है आप अपने पोजिशन को होल्ड कर रहे हो, मे बी वहाँ पर वैसा करने से आपका छोटा लॉस बहुत बड़ा बन जाए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड न्यू ईयर आने वाला है तो कल लास्ट रहेगा, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और एपिसोड अगर आप आए तो एपिसोड में हम लोग हर कोई एक दूसरे को अच्छे से विश करेंगे, न्यू ईयर में कुछ अच्छा और कुछ नया करने का कोशिश करेंगे जिससे हम लोग हमेशा से पॉजिटिव रहे, कभी भी नेगेटिविटी ना आए। क्या होता है स्टॉक मार्केट में कि लोग जब लॉस खाते हैं तो नेगेटिविटी आता है, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना होगा, हमेशा से कोशिश ये कीजिएगा कि आपके लाइफ में जो भी है उससे आप उस गलती से सीख रहे हैं तो ही हम लोग आगे ग्रो करेंगे, वरना अगर आप उसको लेके परेशान हो जाएंगे सैड हो जाएंगे तो मे बी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को ना मिले। तो बस यही वीडियो आज का बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, बट थैंक यू।